बड़हलगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में ताश खेलने को लेकर हुए विवाद में 55 वर्षीय व्यक्ति को भाला घोंप दिया गया, जिसे सीएचसी बड़हलगंज लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुरुवार को गांव में 2:30 बजे के करीब कुछ लड़के ताश खेल रहे थे, जिसमें मृतक का 22 वर्षीय पुत्र अनिल भी शामिल था। इस बीच किसी बात को लेकर लड़कों में विवाद हो गया। लड़कों के बीच हो रहे विवाद को देख अनिल के पिता 55 वर्षीय राम प्रसाद पुत्र स्वर्गीय भगेला बीच बचाव करने पहुंचे कि इसी बीच दो व्यक्तियों ने भाला से हमला कर दिया, जो राम प्रसाद के पेट में लगा, जबकि उसके पुत्र अनिल को पत्थर से सिर फोड़ दिया। सौजन उसे लेकर सीएचसी बड़हलगंज पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने राम प्रसाद को मृत घोषित कर दिया। मृतक का भतीजे संतोष ने गांव के 3 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद तहरीर दिया, जिसमें आरोपी योगेंद्र की पत्नी को गिरफ्तार कर शेष अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया। गाड़ी मंगाओ लोग ना, गाड़ी आवे ना, जगह ड्यूटी लगा लोग लेके जाए कि रहले कौन मतलब है? थाना बड़हलगंज में जगदीशपुर गांव है। आज बच्चों के वहां पे खेल जा रहे थे, ताश पत्ती वगैरह खेल रहे थे, जिसका विवाद हुआ, जिसमें एक राम प्रसाद है, नाम बघेला, उसी गांव के रहने वाले हैं, और विपक्षी जो है जिसने वार किया है, जोगेंद्र उपेंद्र और एक तहरीर साथी है, उसमें जोगेंद्र की पत्नी, 3 का तहरीर मिला है। उसने ये बताया कि जब ये बच्चों के खेल हुआ था, उसमें विवाद हुआ, तीनों ने मिल के लाठी डंडा और भाला से राम प्रसाद को मारा, जिससे कि राम प्रसाद की हॉस्पिटल जाते हुए डेथ हो गई। प्रकरण में अपराध पंजीकृत किया गया है, और गिरफ्तारी में अभी जोगेंद्र की पत्नी जो तीसरा नाम दिया था उसने वो अरेस्ट की है, बाकी के लिए टीम लगी हुई है और बहुत ही जल्दी दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, इसमें इन लोगों के बीच में आपस में कोई पुराना विवाद था क्या? पुराना विवाद तो अभी नहीं, कोई प्रकरण पता चला है, जैसे कि प्रथम दृष्टया जो वादी आया था, वादी ने बताया कि आज तात्कालिक जो ये ताश पत्ती का जो प्रकरण है खेलने का बच्चों का, उसी में विवाद बढ़ा और वो भाला से मार दिया उसके पेट में।